प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 में मंगलवार को दो बेहतरीन मुकाबले देखने को मिले। दिन के पहले मैच में दिल्ली ने पटना को 32-29 से हराया, वहीं दूसरे मैच में एक बेहद करीबी और रोमांचक मैच खेला गया। ये मैच 24-24 की बराबरी पर खत्म हुआ। मुकाबलों की बात से पहले बात कर लेते हैं विंजो ऐप की। आप विंजो ऐप पर जाकर 100 से ज़्यादा गेम्स खेल सकते हैं जो कि 12 अलग अलग भाषाओं में हैं। खास चीज़ तो यह है कि यहाँ पर आपको रमी, पोकर, फ्री फायर जैसे ढेर सारे गेम्स मिलते हैं। इनके अलावा एक नया फीचर है फैंटेसी वॉर, जहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीमें मिल जाएंगी। आप इन टीमों के साथ खेलिए और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। वहीं वर्ल्ड वॉर कॉन्टेस्ट में जाकर आप 2 से 4 टीमों के साथ भिड़कर जीत भी सकते हैं। तो है ना ये काम का ऐप। चलिए ऐप की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं मैच की। पहला मुकाबला 7:30 बजे वाला, पटना पायरेट्स वर्सेस दबंग दिल्ली। बात करेंगे दिल्ली के प्रदर्शन से, क्योंकि दिल्ली ने इस मुकाबले को जीता है। दिल्ली के लिए उनके रेडर्स की अगर बात करें तो विजय मलिक, संदीप नरवाल, आशु मलिक तीनों ने धुआं उड़ा दिया। विजय मलिक 9 पॉइंट्स, संदीप नरवाल 8 पॉइंट्स और आशु मलिक 3 पॉइंट्स लेकर गए हैं। वहीं डिफेंडर्स अगर आप दिल्ली के उठाकर देखें तो जीवा कुमार हों, मंजीत चिल्लर हों या फिर कृष्ण, जी हाँ तीनों ने ज़बरदस्त खेल दिखाया। 2 पॉइंट्स मंजीत, 3 पॉइंट्स जीवा, 2 पॉइंट कृष्ण, टैकल पॉइंट्स निकाल कर दिए हैं। इसके अलावा मोहम्मद मलिक को भी 2 टैकल पॉइंट्स मिले। अब पटना के लिए किस किसने प्रदर्शन किया? टीम हारी ज़रूर, लेकिन प्रदर्शन इनकी तरफ से भी आया। इनके जो स्टार रेडर रहे प्रशांत कुमार 6 पॉइंट्स लिए, बात करिए सचिन की 5 पॉइंट्स इनके नाम में रहे और गुमान सिंह 4 पॉइंट्स ये भी मैच में निकाल कर गए। जबकि डिफेंडर्स में नीरज कुमार ने 4 टैकल पॉइंट लिए, मोहम्मद रेजा ने 3 टैकल पॉइंट्स लिए, लेकिन बाकी खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाए जिसकी वजह से टीम को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मैच किस तरह से घटा इसकी बात कर लेते हैं। पहला जो हाफ था मैच का, पहले हाफ की शुरुआत दोनों टीमों ने एकदम कड़ी टक्कर के साथ की। दोनों टीमें बराबरी पर नजर भी आ रही थी, क्योंकि पहले 5 मिनट का जो खेल था वहां पर एक दूसरे को कोई भी मौका नहीं दे रहा था। दोनों ने 5-5 पॉइंट हासिल भी कर लिए थे, लेकिन इसके बाद दिल्ली के डिफेंस ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। वे लगातार डिफेंस में पॉइंट्स लाते जा रहे थे और सुपरस्टार रेडर नवीन कुमार की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होने दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर इस सीजन बेहतरीन डिफेंस दिखा रही पटना की टीम का डिफेंस इस मुकाबले के अंदर फ्लॉप नजर आया। मैच के 11वें मिनट तक ही दिल्ली ने पटना को मैच में पहली बार ऑल आउट कर दिया और 5 पॉइंट्स की लीड ले ली। इसके साथ ही टीम का जो स्कोर था वो 11-5 हो गया, यानी दोगुने से भी ज़्यादा बढ़त। पहले 12 मिनट तक पटना को डिफेंस में एक भी पॉइंट नसीब नहीं हुआ। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पटना ने डिफेंस में कितना ख़राब खेल दिखाया। डिफेंस में मंजीत चिल्लर और कृष्ण की जोड़ी जो है वो लगातार कमाल कर रही थी और पॉइंट्स लाकर दे रही थी। दूसरी तरफ रेड में कमाल दिखा रहे थे ऑलराउंडर संदीप नरवाल, पहले हाफ में उन्होंने 5 पॉइंट निकाल कर दिए। हाफ टाइम तक दिल्ली की टीम 9 पॉइंट से लीड कर रही थी, स्कोर हो गया था 19-10। यानी जब फर्स्ट हाफ का खेल खत्म हुआ तो दिल्ली की टीम का दबदबा एकदम शानदार तरीके से जारी था। इसके बाद सेकेंड हाफ की शुरुआत होती है। सेकेंड हाफ के शुरू होते ही पटना ने वापसी करना शुरू कर दिया, एक के बाद एक लगातार 4 पॉइंट निकाले और 9 पॉइंट की लीड को घटाकर 5 पर ले आए। सेकेंड हाफ के 10वें मिनट में पटना की टीम ने दिल्ली की टीम को ऑल आउट कर मैच में वापसी कर ली। स्कोर 21-22 था और पटना की टीम अब सिर्फ 1 पॉइंट पीछे थी। मैच के 13वें मिनट में दिल्ली का ऑलराउंडर संदीप नरवाल ने एक ही रेड में पटना के 2 खिलाड़ियों को आउट कर एक बार फिर दिल्ली को 3 पॉइंट की लीड दिला दी। मुकाबला बेहद करीबी हो गया था, आखिरी 4 मिनट बाकी थे और दोनों टीमों के बीच सिर्फ 1 पॉइंट का अंतर था। स्कोर जो था वो 26-25 हो गया था। दिल्ली की टीम 1 पॉइंट से आगे ज़रूर थी, लेकिन कुछ भी कहना नामुमकिन था कि किस टीम के पक्ष में ये मैच जा सकता है। आखिरी के जो 3 मिनट थे, दिल्ली के विजय मलिक ने वहाँ पर सुपर हिट लगाते हुए एक ही रेड में 3 पॉइंट ले लिए और दिल्ली को 4 पॉइंट से तगड़ी लीड दिला दी। आखिरी रेड तक मैच में कश्मकश चली जरूर, लेकिन लास्ट में दिल्ली ने मैच को 32-29 से आसानी से जीत लिया। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल था कि नवीन के बिना दिल्ली कैसे जीतेगी। जी हाँ, क्योंकि दबंगों के मैट पर जो ये प्रदर्शन दिल्ली ने किया है, अब दिल्ली की टीम और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं दिन के दूसरे मुकाबले की। ये मुकाबला खेला गया गुजरात जायंट्स और यू मुंबा के बीच। सबसे पहले प्रदर्शन से शुरुआत करेंगे और प्रदर्शन की बात करेंगे गुजरात से। गुजरात के रेडर अजय कुमार हों, राकेश नरवाल हों या फिर राकेश सुंगरोया, तीनों ने बेहतरीन खेल दिखाया। 6 पॉइंट राकेश नरवाल, 6 पॉइंट 2 पॉइंट राकेश सुंगरोया,
तो जो इनके जो रेडर्स थे ना वो लगातार काम करते रहे। डिफेंडर्स की आप बात करें तो गिरीश नाक ने 3 टैकल पॉइंट लाके दिए, सुनील कुमार कप्तान हैं 2 टैकल पॉइंट्स इनको भी मिले, प्रवेश भैंसवाल 2 पॉइंट इनके नाम भी गए। अब बात कर लेते हैं यू मुंबा के परफॉर्मेंस की कि इनके लिए किसने परफॉर्म किया। वी अजीत कुमार 8 पॉइंट, रेडर कमाल का प्रदर्शन, अभिषेक सिंह 4 पॉइंट इन्हें भी मिले। ऑलराउंडर की बात करेंगे अजिंक्य कापड़े 3 पॉइंट ये भी लेकर गए। और डिफेंस में किसने कमाल किया तो रिंकू 5 टैकल पॉइंट्स आए, नाम जाना पहचाना लगता है क्योंकि लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हरेंद्र कुमार 2 टैकल पॉइंट्स इनको भी मिले। अब ये तो खिलाड़ियों की बात हो गई, ये इनके प्रदर्शन की बात हो गई, एक तरीके का स्कोर कार्ड हो गया। मैच किस तरीके से घटा इसकी बात कर लेते हैं। पहला हाफ मैच की शुरुआत गुजरात जायंट्स ने तगड़े अंदाज में की। उनके रेडर जो हैं अजय कुमार लगातार पॉइंट लाकर दे रहे थे, जबकि यू मुंबा का जो डिफेंस है एक भी पॉइंट लेने में नाकामयाब दिख रहा था। यहाँ भी कहानी कुछ वैसी दिख रही थी जैसी दिल्ली और पटना के मुकाबले में हुई। उस मैच के अंदर दिल्ली की टीम ने शुरुआत से ही तगड़ा खेल दिखाया और इधर गुजरात की टीम वैसा कर रही थी। शुरुआती 10 मिनट में गुजरात की टीम 8-4 से आगे थी। मुकाबला काफ़ी धीमा चल रहा था, मुकाबला इतना कड़ा चल रहा था कि दोनों ही टीमों के लिए एक एक पॉइंट लेना भारी पड़ रहा था। पहली 15 मिनट में दोनों टीम मिलकर सिर्फ 16 पॉइंट्स ले पाई, गुजरात के 10 और मुंबा के 6। पहला हाफ 13-10 पर ख़त्म हुआ, गुजरात 3 पॉइंट्स से आगे रही। पहले हाफ में मुंबा के डिफेंस को सिर्फ 2 पॉइंट्स हासिल हुए जिसके चलते वो पिछड़ गए। अगर डिफेंस ने थोड़ा बेहतर खेल और दिखाया होता तो शायद पहले हाफ के अंदर स्कोर लाइन जो है वो बराबरी पर होती या फिर यू मुंबा आगे जा सकती थी। लेकिन गुजरात की टीम ने 13 में से 5 डिफेंस में पॉइंट्स जो जमाए उसकी वजह से उनकी टीम ने फर्स्ट हाफ जीत लिया। रेड के मामले में दोनों टीमें फर्स्ट हाफ में लगभग बराबरी पर ही दिखी। अब बात कर लेते हैं सेकेंड हाफ की। दूसरे हाफ में गुजरात ने एक बार फिर से वैसा ही खेल दिखाया जैसा फर्स्ट हाफ में वो दिखा रहे थे और उन्होंने सुनिश्चित भी कर लिया कि लीड उनके पास ही रहेगी और वो इसे जाने नहीं देंगे। सेकेंड हाफ के पहले 5 मिनट के बाद गुजरात की टीम 17-14 से आगे थी। धीरे धीरे गुजरात के रेडर्स राकेश नरवाल, राकेश सुंगरोया अपने रंग में दिखने लगे और लगातार रेड पॉइंट्स के साथ बोनस भी बटोरने लगे। दूसरे हाफ के 10वें मिनट में पहली बार एक ऑल आउट का चांस बना जब मुंबा के खेमे में सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बचे थे और राकेश नरवाल रेड पर थे, लेकिन मुंबा की टीम ने सुपर टैकल किया और 2 पॉइंट्स यहां पर बटोर लिए जिससे उन्होंने गुजरात के 4 पॉइंट की लीड को घटाकर 2 पॉइंट पर ला दिया। मुंबा की अगली रेड में वी अजीत कुमार ने 2 पॉइंट्स लेकर स्कोर 21-21 की बराबरी पर ला दिया। यानी पहली बार ऐसा लगने लगा कि यू मुंबा की टीम आसानी से इस मैच को गुजरात के हाथ में नहीं जाने देगी। मुंबा के डिफेंडर रिंकू अकेले ही जोर लगा रहे थे। मैच के 15वें मिनट में उन्होंने 5 टैकल पॉइंट्स लेते हुए अपने हाई फाइव पूरा किया। मुंबा के कुल 7 पॉइंट डिफेंस में आए थे जिसमें से 5 अकेले रिंकू के थे। आखिरी पौने 2 मिनट बाकी थे और स्कोर 23-23 की बराबरी पर था। मैच के आखिरी 40 सेकंड में तो रोमांच और भी करीबी हो गया। गुजरात की टीम 1 पॉइंट से पीछे थी। गुजरात के रेडर अजय कुमार ने अपनी टीम के आखिरी रेड पर मुंबा के एक खिलाड़ी को आउट कर इस मुकाबले को 24-24 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद मुंबा की रेड खाली रही और ये बेहद रोमांचक और करीबी मुकाबला टाई रहा। आपको बता दें कि इस सीज़न का ये 13वां टाई मुकाबला है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी बात से कि इस सीज़न प्रो कबड्डी लीग के जो मुकाबले हैं वो कितने करीबी खेले जा रहे हैं। प्रो कबड्डी लीग का मंगलवार के जो दोनों मैचेस थे इसके लिए पूरा रिसर्च वर्क किया है हमारे साथी प्रवीण नेहरा ने। और अगर आपको प्रो कबड्डी के अलावा बाकी खेलों से जुड़े वीडियोस भी चाहिए तो आप हमारे चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हम हैं, आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। कैमरे के पीछे हैं जेरी, मैं हूँ विपिन, शुक्रिया।